दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आज एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने आया हूँ। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर सभी लोग उपवास व्रत इत्यादि कर करके पूजन करके महाअभिषेक रुद्राभिषेक इत्यादि शिव जी का करवाते हैं। बहुत सारा फल उन्हें मिलता है, तरह तरह के दान इत्यादि करते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो सक्षम हैं। लेकिन ये वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके पास में वो अभी तक ऐसे सक्षम नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएँ या दान दक्षिणा में इत्यादि में वो खर्च नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए, सर्वश्रेष्ठ बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं शिवरात्रि पर। इस शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का इससे सस्ता और सरल उपाय, बिना एक रुपए खर्च किए ये उपाय आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर इतने प्रसन्न रहेंगे आपसे जितने एक महारुद्राभिषेक कराने, नमक चमक से रुद्राभिषेक कराने वाले व्यक्ति से भी नहीं रह पाएंगे। क्या है ये बात, क्या है ये उपाय, आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ये आग्रह रहेगा ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें इस वीडियो को, क्योंकि ये उपाय केवल इतना सा उपाय है कि मैंने देखा कई जगह ऐसी मैं गया जहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, आपके आसपास भी होंगे बहुत सारे शिवलिंग के मंदिर। मैं अभी तो क्योंकि शिवरात्रि है तो मैं शिव जी के मंदिर की बात कर रहा हूँ, शिवलिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कई जगह पर ऐसा देखा कि शिवलिंग बने हुए हैं वहाँ पर जल नहीं चढ़ा हुआ है, बहुत सूख गए हैं, बहुत गंदगी है मंदिर में, बहुत सारी गंदगी इत्यादि देखी है। तो इसलिए इस वीडियो में केवल ये संदेश है, आपके आसपास में कोई भी मंदिर शिव जी का है वहाँ पर आपको सफाई करना है, उस मंदिर का अच्छे से सफाई करना है, जितना हो सके अच्छे से अच्छे सफाई कर देना है। और उसके बाद में आपको पूरा सफाई करने के बाद में जल इत्यादि से स्नान कराने के बाद में बहुत ही श्रृंगार अच्छा कर देंगे आप। ये श्रृंगार मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप वस्त्र इत्यादि पहनाएं, नहीं, केवल इतना ही आप साफ सफाई इत्यादि करें और अपना जो नॉर्मल पूजा है वो अपना कर सकते हैं। अब आपको एक विशेष, आपको बहुत ही विशेष उपाय भी बताएंगे इस वीडियो के बाद में, जस्ट बाद एक वीडियो आपको मिलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो आप अगर बाद में देख रहे हैं, आगे की भी किसी भी शिवरात्रि इत्यादि पर इस उपाय को कर सकते हैं, तो वो उपाय भी आपको बताएंगे, सरल उपाय। लेकिन ये वीडियो आप शेयर कीजिए जिससे कि आपके आसपास जो भी शिवलिंग इत्यादि के मंदिर हैं उनमें स्वच्छता सफाई आप करें और महादेव को प्रसन्न करें। आशा करते हैं आप सबको ये बात बहुत ही पसंद आई होगी और इस बात को आप दूर दूर तक पहुंचाएंगे शेयर करके, शेयर का बटन दबा करके अपने दोस्तों को घर घर इस बात को महाशिवरात्रि तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।